राधे राधे। विवाह मंडप तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण के कमल का फूल जिसके अंदर राधा रानी ने जन्म लिया था। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, वृंदावन का आज ये तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं गोकुल, तो वहाँ भी जाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे बस जो भी होगा व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ बताना अब तक के जो व्लॉग्स हैं पार्ट हैं तो वो आपको कैसे लगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूं, लेकिन मैक्सिमम मंदिर में बहुत ज़्यादा रश है, हद से ज़्यादा रश है। मैं आपको क्या बताऊँ, कल तो मुझे सफोकेशन ही होने लगी थी, इतनी ज़्यादा रश था। ऊपर से फिर कैमरा भी अलाउड नहीं होते अंदर मंदिर में, लेकिन जितना पॉसिबल होता है बाहर का एरिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से व्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि आरू भी मेरी गोद में होती है और उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, फिर कैमरा भी अलाउड नहीं होता, मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग बना रही हूँ। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए और व्लॉग में बनी रहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आए हैं मानसरोवर मंदिर, ये है राधा रानी का मंदिर। तो यहाँ पर हमने ये कहानी सुनी है कि राधा रानी कृष्ण जी से नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई थी मानसरोवर की जगह में, और फिर कृष्ण जी ने उनको मनाया था, वो वापस उनको बरसाना लेके चले गए थे, वृंदावन लेके चले गए थे। तो ये यहाँ की कहानी है और फटाफट से फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं, यहाँ का मथा टेकते हैं, देन उसके बाद हम कहीं और जाएँगे। राधा रानी भी देखो, भगवान जी भी, जो माता भी थी लक्ष्मी का स्वरूप राधा रानी, वो भी नाराज़ होकर आई थी। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला, तो अंदर का मैं अच्छे से नहीं ले पाई क्योंकि वही है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, मना करते हैं यहाँ पर कैमरे के लिए ना। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ हम आए हैं दूसरी जगह पे और ये जगह का नाम है भंडीर वन। हाँ, भंडीर वन है यहाँ का नाम। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह किया था। तो यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे, बट बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि हमने आज बहुत सारे जगह कवर करने हैं। तो भंडीर वन ये जगह है, तो यहाँ पर राधा कृष्ण का जो है विवाह संपन्न हुआ था, तो बहुत ही पवित्र जगह है ये। ये देखो उनकी शादी हो रखी, देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने शादी करा रखी, देखो राधा कृष्ण जी की। आजो आजो, हाँ देखो यहाँ पे नाच रहे थे। हाँ राधा कृष्ण कह जा करो, जय चलो, जय हनुमान जी की जय। चलो चल चलो बेटा, जय हो राधा रानी की। सो फ्रेंड्स, ये है राधा कृष्ण वहाँ विवाह मंडप, विवाह मंडप। तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण का विवाह हुआ है यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, तो ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का जो विवाह है यहाँ पर किया था साक्षात, तो हमें भी नहीं पता था पहले इस बात का। ये जोड़ा है इसका जो दोनों का, राधा कृष्ण का रूप एक वृक्ष, राधा कृष्ण का पिलर बने हुए, वो मंडप का रूप है पीछे ना, ये हाँ ये ऑटोमेटिक बना। अच्छा, मेरे को पढ़ने से पहले पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि शादी हुई है। इधर से निकलो बेटा, चलो चलो आ जा जा बेटा। हां हां, इधर से निकल। तो जय हो, बोलो बस सुंदर सिंधु सिंधु तेरे लगा ला सिंधु, हरे राम बोलो बाकी बिहारी लाल की। ये लगा दिया मैंने राधा के सिंदूर। चलो चलो, ये क्या राधा के सिंदूर? जय माता रानी की जय।
के बारे में अभी पंडित जी ने हमको नहीं बताया है कि क्या है, क्योंकि जल्दी जल्दी दर्शन कर रहे हैं और जो जो रास्ते में पड़ रहे हैं मंदिर, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो वाला वृक्ष है जिसमें राधा रानी जी आए थे। कहानी बहुत लंबी है, ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। कमल का जो फूल था, तो यहाँ पर इस वृक्ष में आके वो अटक गया था, कमल का फूल जिसके अंदर राधा रानी ने जन्म लिया था। तो ये है वो जगह जो राधा रानी ने लिया था। सो ये जो जगह है और ये जो फूल आप देख रहे हो, ये वृक्ष आप देख रहे हो, इन्हीं को ही राधा रानी का जो जन्म स्थल है वो माना जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, दर्शन कर लीजिए आप भी। तो ये जगह है राधा रानी का, जहाँ पर वो स्नान किया करते थे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये स्नान की जगह है जहाँ पर उस वक्त राधा रानी और उनकी जो सखी हुआ करती थी वो स्नान किया करती थी। तो जो एक्चुअल जो राधा रानी का जो जन्म स्थान है, यहीं को माना जाता है। और यहाँ पर ये नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फिलहाल अभी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं गोकुल धाम। तो गोकुल धाम में माथा टेकने से पहले हम लोग यहाँ पर लंगर खाएंगे। तो यहाँ पर डेली यहाँ पर लंगर का इंतजाम होता है, यहाँ पर खाना मिलता है। तो अगर आप किस कभी भी आओ तो हमेशा यहाँ पर आपको खाना दिया जाएगा। तो पहले लंगर चखते हैं, उसके बाद करेंगे वहाँ पर दर्शन। जो खाना था वो हो गया है, हमने यहाँ पे लंगर खाया था और थोड़ा सा एक दो सामान खरीदा, और अब हम जा रहे हैं गोकुल धाम। तो वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे अगर आप कैमरा लाओ। जेठालाल, जेठालाल के पास जा रहे हैं। जय बोलो यमुना मैया की जय। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं श्री धाम ब्रह्मांड घाट। जय। क्या नाम है इसका? ब्रह्मांड घाट। इसका नाम ब्रह्मांड घाट क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने बचपन में बार मिट्टी खाने का काम किया, सबको मालूम है, सब कथाओं में पढ़ते आए, सुनते आए हैं। तो ये वही जगह है जहाँ भगवान ने ये काम किया। लेकिन जब मैया ने जब डाटा और मुंह खोल करके दिखाने के लिए कहा ना, तो भगवान ने जब मुंह खोला है तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया है, यानी विराट रूप का दर्शन माता यशोदा को बचपन में ही यहाँ भगवान ने करा दिया था, पूरा ब्रह्मांड दर्शन कराया, इसलिए जगह का नाम हुआ ब्रह्मांड। आपके सामने माता यमुना जो तब भी थी आज भी है। प्रामाणिक बातें हैं, आप सुनते हैं कि भगवान को मथुरा से लाए वसुदेव जी, नंद बाबा के घर गए तो बीच में यमुना नदी को पार किया, तो ये तब भी थी आज भी। जी यहाँ से तो देवता लोग उनके दर्शन करने के लिए आया करते, दर्शन किया चले जाते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने एक बार विचार किया, मैं भी प्रभु के दर्शन करूं,
तो कैलाश पर्वत को छोड़कर यहीं से करना है ऐसे यहीं से। राधे श्याम। तो आपने ऐसे ही भगवान का नाम नहीं लेना है, अब आप दूसरा काम करना है। देखो पहले समझ लो, ये देखो पिलर एक लाइन में इधर है, एक लाइन में इधर है, हम लोग बीच में खड़े हैं, गली जैसी जगह है ये। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये पिलर भगवान के समय के प्राचीन मान्यता है और इसकी छत का पत्थर भी खुदाई में मिला हुआ है। एक याद करो कुंज गली, और बार बार बोल सकते हैं गोकल की कुंज गली, गोकल की कुंज गली। और दौड़ करके आओ, बच्चे बन करके दौड़ो। गोकुल की कुंज गली, 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 गोकुल की कुंज। आप खड़े हो, इसका नाम अलग है, इसको कहते हैं माखन चोर गली। कृष्ण माखन की चोरी करते हैं ना, हाँ जी। तो मैया पीछे दौड़ती पकड़ने के लिए बोलती कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, तो दोस्तों अभी हम जहाँ पर खड़े हैं और जहाँ की परिक्रमा करने वाले हैं, तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के बचपन का पेड़। कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बचपन में खेला करते थे, और ये पेड़ देख लो दोस्तों उस वक्त से अभी तक सूखा नहीं है, बीच बीच में सूख जाता है लेकिन फिर से इसकी नई पत्तियाँ उभर आती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है वो पेड़, और उस ज़माने से अभी ज़माने तक, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें जो है उस वक्त की जो अभी साक्षात है हमारी नज़रों के सामने, जिनको देख के हमें विश्वास नहीं होता है लेकिन विश्वास करना पड़ता है क्योंकि ये साक्षात लोग। हम लोग जो दर्शन करके अब यहाँ पर आ गए हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग चाय पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि चाहे कहीं भी चले जाओ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, थकान का जो दूर होती है वो चाय से होती है। ऐसे ही होता है, चाय से जाए तो सारी थकान दूर जाती है। कैसा लग रहा है यात्रा करके? बहुत बढ़िया। आज तो अच्छा लगा, भीड़ नहीं थी आज तो अच्छा लगा, आज तो मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि भीड़ नहीं थी। और फ्रेंड्स लोग ये देखिए, ये है चाय, इतनी सी चाय है 10 रुपए की, सिर्फ इतनी ही चाय, क्योंकि ऐसे जो तीर्थ स्थल होते हैं या टूरिस्ट प्लेस होते हैं उसमें ऐसा ही होता है, इतनी ही चाय 10 रुपए की है। थोड़ी सी चाय थी, छोटी सी 10 रुपए की चाय। सो फ्रेंड्स ये है हमारे पंडित जी जिनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हो आप, क्योंकि मैंने ब्लॉग में डाला ही है, अगर आप चाहते हो इनके साथ यात्रा करने के लिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इनका नंबर, तो आप इनसे कर सकते हैं। और हमें बहुत आनंद आया पंडित जी आपके साथ, बहुत सारे ज्ञान की बातें भी बताई आपने। राधे राधे। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं अपने जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वहाँ पर, यहाँ का नाम है रमन रेती, और राहुल भैया हमको लेके आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है राहुल भैया के साथ। जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। हाथी राजा कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर। ये है फ्रेंड्स रमन रेती। तो देखिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर अपने बचपन में खूब खेला करते थे, जगह है जहाँ भगवान का भी बचपन में खेला करते थे।
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, रमन रीति का दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ब्लॉग अच्छा लगा है अब तक तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।